एक और नियो बैंक ने लॉन्च किया अपना नया क्रेडिट कार्ड। तो जुपिटर और फेडरल बैंक की पार्टनरशिप में एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया जिसका नाम है जुपिटर एज क्रेडिट कार्ड। जब से बाय नाउ पे लेटर को एक प्रीपेड कार्ड से लिंक करने का ऑप्शन कैंसिल हो गया था, उसके बाद सारे नियो बैंक या फिनटेक कंपनी अपने पार्टनरशिप के साथ में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए, जैसे जुपिटर, FI, बहुत सारे कार्ड है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुपिटर स्पेशल जो एज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया उसके बारे में, फीचर्स, बेनिफिट, चार्जेस, एलिजिबिलिटी, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो जुपिटर एज क्रेडिट कार्ड है वो सिर्फ इन्वाइट बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, मतलब आपके पास जुपिटर अकाउंट है तभी ये क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। आपके पास पहले से जुपिटर अकाउंट है तो आप इन्वाइट मिल चुका होगा या मिलेगा अभी, और अगर आपके पास नहीं है और है भी तो ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारे बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जुपिटर जो अकाउंट है वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके जो रेगुलर ट्रांजेक्शन डे टू डे करते हैं उसके लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट काम आ सकता है। बट ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो बात करते हैं इसके फीचर्स बेनिफिट में। तो इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट की बात करो तो आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसका नाम है ज्वेल्स। 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे आपकी जो टॉप 3 ब्रांड होगी जो आप चॉइस करोगे उसके ऊपर आपको 5 ज्वेल्स मिलेंगे 100 रुपए की स्पेंडिंग पे। और अदर रिवॉर्ड पॉइंट की बात करूं तो आपको 2 ज्वेल्स मिलेंगे 100 रुपए की स्पेंडिंग पे। तो ये हो गए रिवॉर्ड पॉइंट की बात। रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं बट रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या है? तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 20 पैसा होने वाली है, जो रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू बहुत ही कम है। इसके साथ आपको ना तो कोई एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलने वाला है, ना ही कोई फ्यूल सरचार्ज वगैरह मिलने वाला है, ना ही कोई माइलस्टोन बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो 3 मेजर बेनिफिट होते हैं नॉन स्पेंड बेस्ड, ऐसा कोई बेनिफिट इस कार्ड में अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिला। और ये इन्वाइट बेस्ड कार्ड है तो आपको जुपिटर इन्वाइट करेगा, आपके पास अकाउंट है तो इसकी एप्लीकेशन में आपको इनविटेशन आएगा। जो ये कार्ड होने वाला है वीजा प्लेटिनम प्लेटफॉर्म पे आने वाला है, तो इसके साथ आपको वीजा के कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। बात करते हैं ज्वाइनिंग फीस की, तो इसकी ज्वाइनिंग फीस 0 है बट रिन्यूअल फीस है 999 प्लस टैक्सेस। तो इसलिए ही बता रहा था मैं कि 999 प्लस टैक्सेस फी पे करके 0.20 पैसा रिवॉर्ड पॉइंट लेने का क्या मतलब है। इससे अच्छा अमेजोन ICICI जो लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, 5% का कैशबैक ऑन अमेजोन प्राइम पे, नॉन प्राइम पे 3%, अदर पे भी 1% का कैशबैक है, मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपया है। तो यहाँ पे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 20 पैसा है, जिसमें ना तो लाइफ टाइम फ्री है, आपको 999 प्लस की फी पे करनी है, ना कोई एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस है, ना कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जो फी पे कर रहे हैं अगर 1.5 लाख रुपए स्पेंड करते हैं प्रीवियस ईयर में तो ये आपकी वेवर हो जाएगी, बट एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, इसमें एक है कि फेडरल बैंक जो अपना ऑफर देता है टाइम टू टाइम ब्रांड पे वो आपको काम आ सकता है। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई कार्ड नहीं मिल रहा, आपके पास जुपिटर का अकाउंट है और आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। बाकी मेरे को इतना कोई अच्छा इस कार्ड में कुछ लगा नहीं है। और सिर्फ आप जुपिटर का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं सेविंग अकाउंट तो कर सकते हैं, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट है, सारी अकाउंट मैनेज वहाँ हो जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुपिटर का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड मेरे को इतना कोई खास नहीं लगा है, तो मेरे ओपिनियन में तो ये कार्ड मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, फिर भी आप लेना चाहते हैं आपकी इच्छा। बट जुपिटर का सेविंग अकाउंट मेरे को अच्छा लगता है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसको सिर्फ डेबिट कार्ड की फीस पे करनी पड़ती है अगर आपको फिजिकल लेना है तो आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के इतने फीचर्स बेनिफिट मेरे को अच्छा नहीं लगा। आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब के लिए स्टे ट्यून।